मौलाना अगला सवाल आया है मिस्टर साजिद अनवर का दिल्ली से वो चाहते हैं कि कुरान की एक आयत को आप ठीक से समझा दें जो आयत है वो कुरान में इस तरह आई है कि बिलीवर्स इफ़ एन ईवल डूअर ब्रिंग्स यू अ न्यूज़ अ सर्टेन द करेक्टनेस ऑफ द रिपोर्ट फुली लेस्ट यू अनविटिंगली हार्म अदर्स एंड देन रिग्रेट वॉट यू हैव डन दिस इज़ इन चैप्टर फोर्टी एट वर्स नंबर सिक्स <coughs> जहाँ वो है एजाजा को फास्कों बे नबीन फतभ मतलब है कि कोई अब ख़बर जब मिलते हैं कोई नेगेटिव को न्यूज या नेगेटिव न्यूज बराद है तो उसकी तहकीक करो फैन तबयों की माने खूब तहकीक करो खूब पता करो खूब उसकी स्कूटी करो ये नहीं कि वह सुनाओ लेकिन बानकर ये बिल ग़लत गुना है ये यह मतलब इसका कि कुरान में ये हुक्म दिया गया है कि आप कि ये तेरे तरीका नहीं होना चाहिए तो क्योंकि खबर सुनी और फिर लगे बयान करने दूसरों से उसको तो क्योंकि खबर बताने वाला नाकस रिपोर्टिंग कर सकता है किसी भी किस्म के उसमें मिलावट कर सकता है ख़बर में तो आप इसको स्क्रूटनी करें उसको पता करें और जो भी जरा तो तो मसला फ़र्ज किया कि एक्सर्स कर रहा है कि कलकत्ते के एक आदमी के बारे में आपको बता रहा है कुछ तो टेलीफोन किया उसको अच्छा फ़र्ज किया है कि आप कहें कहाँ मेरा टाइम है टेलीफोन करने का तो आपको कहाँ टाइम है ख़बरें फैलाने का ये खबरें को फैलाते हैं आप मसाला तो मेरे बारे में तकरीब सारे मुखालफिन क्या करते हैं बग़ैर मेरे किताबों को पढ़े हुए सुनी सुनाई बातों पर मेरे बारे में फैलाते रहते हैं तो आपके लिए दो ऑप्शन है या तो चुप रहें या बाकायदा तहकीक करके बोलें ये तीसरा ऑप्शन नहीं है कि तहकीब भी नहीं करें बोले बोलना भी शुरू कर दें आपको किसी के बारे में एक, एक नेगेटिव बात बताना है तो आपको हक नहीं है आप बहुत बड़ा गुनाह करेंगे कि बिलाज तहक बोलें उसको चुप रह सकते हैं चुप रहें जाए चुप रह जायज लेकिन बिला तहकी के बोलना हर की ज्यादा नहीं यह बहुत बड़ा हुक्म है कुरान जीत में और हम तो इसी के शिकार हो रहे हैं हमारे इतने मुखालफे हैं बिला तहकी के हमारे खिलाफ़ बोलते रहते हैं बस अब देखिए एक साहब मेरे पास आए एक मिसाल देता हूँ एक साहब मेरे पास आए उन्होंने कहा कि आप किता आपका पर्चा निकालते हैं मुझको बताया गया है ये पे दोनवी बातें होती हैं सब कोई दीनी बातें होती है नहीं तुम्हार का अच्छा बैठिए और जो लेटेस्ट इशू था उसको मैंने निकाला मैं देखिए एक कवरा एक कबरा को एक एक मजमून को देखिए तो उसमें सारा जितना भी पर्चा था किसी ने आयत पर पेश करता था किसी किसी हदीस पेश करता था या कोई आप के उस पर पेश करता था तुम्हारे कहा देखिए कहाँ इसमें दुनियावी बातें हैं सारे आख़रत की बातें हैं जन्नत की बातें हैं कुरान की बातें हैं इस्लाम की बातें हैं ये कहाँ वो तो एक साथ ने कहा उसको आपने सुन लिया तो याद रखिए सर ये बातों पर उसको उसको लगना बोलने लगना उसको हदीस आता है कफा बिल मरे कजेबन यह हद जैसा बिकु लमा समयानी उस आदमी के झूठा होने के लिए बात काफ़ी है कि जो कुछ सुना है उसको लगे बान करने तो फिर मैं कहूँगा कि आपके सिर्फ दो में के ऑप्शन है या तो चुप रहें या तो चुप रहें या, तो रहे या बोलें तहकीक़ करके बोलें बिला तहकीक के बोलेंगे तो अल्लाह तला का जबरस पकड़ होगी इसकी बहुत ज़्यादा पकड़ होगी